तो ये इंश्योरेंस के बारे में सर बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि अभी मैं रूट में जा रहा हूँ, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया सर, नहीं बोल सकते सर, तो ऐसा हो गया तो कंपनी वाला कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है सर, जैसा कि PF या SI कुछ भी नहीं दे रहा है उन लोग सर। और ऊपर से सर TTS बोल के एक है एडजस्टमेंट, वो भी हम लोग से उन लोग ले रहा है सर, हर मंडे काट कर रहा है उन्हों। तो आपका कहना है कि पूरा का पूरा रिस्क आप ले रहे हो? हाँ सर, पूरा का पूरा खुद मतलब का रिस्क है सर। एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लगेगी। हाँ सर। खाना गिर जाएगा, डिलीवरी खराब हो जाएगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर। आप बीमार हो गए, आपका रिस्क है। हाँ सर। और जो आपका फायदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा कंपनी का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, और आप बीच में धसे पड़े हो। हाँ सर। मतलब 21वीं सदी की गुलामी है। हाँ एक सर, प्रकार से। हाँ सर। और एक प्रॉब्लम क्या है सर, अभी मैं लेके गया कस्टमर का प्लेस में, तो कस्टमर उधर जाने के बाद कभी कभी कैंसिल कर देते सर, वो कैंसिल प्रोडक्ट भी मैं उधर से 8 किलोमीटर गया तो भी रिटर्न फिर से और रेस्टोरेंट को लेके जाना सर, और रेस्टोरेंट को लेके पेट्रोल का पैसा आपका है। हाँ मेरा ही। वो भी तो कंपनी कंपनी पेट्रोल को लेके लिए आपको कुछ नहीं देती? कुछ भी नहीं देते सर। अच्छा। वो भी हम लोग को क्या पेट्रोल सब कुछ जाता, ऑर्डर भी नहीं आता सर काउंटिंग में ये। और ऊपर से क्या कस्टमर, तो अगर अगर कस्टमर कैंसिल करता है हाँ सर, तो पूरा का पूरा बोझ आप पर जाता है। हाँ सर। और ऊपर से क्या है, कस्टमर का थोड़ा लोकेशन गलत हो गया सर, हम लोग अभी डिलीवरी मार दिया सर, दूसरे को मिस्टेक हो गया, तो ना ID भी बंद कर देते सर, 2 डेज के लिए सर ID भी बंद है सर, 2 डेज के लिए काम पे भी नहीं जाना सर। नहीं, ID बंद मतलब वो दिखाएंगे नहीं लोगों, कस्टमर को आपका मतलब आपका आप निकल जाओगे सिस्टम से। सर, सिस्टम से मैं निकल गया। अच्छा, और ये क्यों क्यों निकलते हो आप? सर कभी कभी क्या होता सर, मिस्टेक हो जाता सर, ये अभी फ्लैट नंबर पे मैं लेके गया तो उन्होंने नहीं है, उन्होंने क्या बोलते हैं दूसरे जन को ऐसा दे दो बोल के, तो उन्होंने दे दे के आया, तो उन्होंने बाद में फोन करके बोलते मेरे को ये नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला बोल के। जैसा भी सर, उसमें OTP कुछ भी नहीं है सर, अभी कस्टमर को मैं दिए तो किसी का उसमें है OTP दिए तो कंफर्मेशन हो जाता उन्होंने मिल गया बोल के। तो हम लोग का स्विगी में वही सर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसा कि अभी नाइट में मैं लेके जा रहा हूँ सर, कोई ऐसा दारू पी लेके रहते सर, उन लोग सर ज्यादा करते ये। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है सर? वही सर, ये तो आप हम लोग का तो लिए सर, थोड़ा इंश्योरेंस का बारे में करे तो सर बहुत खुशी होंगे हम लोग सर। तो राजस्थान में हम एक नया कानून लाए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स को हमने बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, गिग वर्कर्स को हमने एक कैटेगरी में बना दिया है, और जब भी आपका ऑर्डर आता है उस ऑर्डर में से राजस्थान में थोड़ा सा पैसा परसेंटेज कंपनी की ओर से निकाल कर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, आपके पेंशन के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए, और वो हर ऑर्डर में बनता है। तो जैसे आपने मान लो आपने स्विगी के लिए काम किया और फिर आप जाके स्विगी को छोड़ के कहीं और गए, तो वो जो आपका पैसा आपके नाम में जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उधर, तो वो आपके साथ जो आपका आपकी जो सेविंग्स है वो चलती जाती है और वो बढ़ती जाती है। उसमें वहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी दे रखा है और अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। तो ऐसा कानून हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कानून हम बना सकते हैं। मगर आपकी बात मैं समझ गया कि बेसिकली आप बीच में फंसे हुए हो, इस साइड से कस्टमर का दबाव आता है, उस साइड से कंपनी का दबाव आता है, और बेसिकली आपके उसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक। इंश्योरेंस, और आपको आपके लिए वेलफेयर बोर्ड भी खोला जा सकता है यहाँ पे, कि जो आपके इश्यूज हैं वो उसको रेज कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।